हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, शाम का टाइम है और दिखाते हैं शाम के टाइम भी कितने काम होते हैं गांव में। चलिए काम। तो ये देखिए, शाम का टाइम है, सबने चाय पी ली है, शाम की चाय। और अब मैं बर्तन कर लूंगी, मैं झाड़ू हमने लगा दी है, अब बर्तन करेंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना। और उधर देखिए, दीदी कपड़ों की क्या कर रही है, तब तक मैं बर्तन कर लूंगी, फिर हम जाएंगे ऊपर छत पर। इसके बाद हम खाना बनाएंगे मिट्टी के चूल्हे पर। ऊपर छत पे रखा है हमारा मिट्टी का चूल्हा, उस पर हम खाना बनाएंगे। बर्तन करने के बाद झाड़ू हमारी लग चुकी है और मम्मी दूध भी निकाल कर ले आई है भैंस का। भैंस है हमारे यहाँ पर, वो दूध देती है। मैंने छान लिया है, इसको ऊपर छत पर ले जाकर गर्म करूंगा। तो देखिए, नीचे से काम करके हम अब ऊपर आ चुके हैं, खाना बनाने की तैयारी है। आज हम बनाएंगे दाल, और उसके लिए कुकर की जरूरत होगी। तो इस कुकर पर ये मिट्टी लगा लेंगे हम ऐसे करके, क्योंकि चूल्हे पर काला हो जाता है और वो अच्छे से साफ नहीं होता है। तो इस पर हम ऐसे करके मिट्टी लगा लेंगे, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाएगा, काला नहीं रहेगा। इस पर पूरे पर ऐसे हम मिट्टी का लेप कर लेंगे। और ऐसे करके मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद हम इसको रखेंगे। इससे ये अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए, ये चूल्हे चूल्हे में मैंने छीना दे दिया है, आग जल रही है इसमें, और इसके ऊपर रख दिया है कुकर, इसमें मैंने कर दिया है पानी। तब तक मैं दाल साफ करूंगी। आज हम बना रहे हैं मलका मसूर, इसको साबुत मसूर भी बोलते हैं और मलका मसूर भी बोलते हैं। अब मैं इसको साफ करूंगी, तब तक पानी पक जाएगा। जब तक मैं इसको साफ कर लूंगी, फिर ये दाल धोकर इसमें डाल दूंगी, इसको साफ कर दूंगी। तो दाल मैंने धोकर इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, ताकि उबले नहीं। अब इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। Yeah.
लगा दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। इस पर दो तीन सीटी आ जाएगी इसमें, तभी से बन जाएगा दाल। इसको छोड़ने का सामान काट लूंगी, टमाटर प्याज और ये रख लूँगी। जब तक ये दाल बनेगी मैं इनको कट करके रख लूंगी, उसके बाद इस दाल में तड़का लगाऊंगी। तो देखिए दाल हमारी बन चुकी है, कुकर मैंने खोल दिया है। देखिए दाल, और इधर चूल्हे पर चढ़ा दी है कढ़ाई, तेल डाल दिया, ये भी गर्म हो गया। आपने इसमें लगाऊंगी तड़का दाल में थोड़ा सा जीरा, और इसमें ये प्याज डाल दूंगी ये कटिंग करके। मैंने इसमें पहले थोड़ा ही डाला था, थोड़ा अब डाल दूंगी और थोड़ा नमक भी डाल दूंगी, पहले कम ही डाला था। ये अच्छे से मिल जाएगा, इसमें तेल मिल जाएगा, मल्ली भी डाल दूंगी। मसाला भून गया है, इसमें तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये दाल। जो रह गई है मैं चलने से निकाल दूंगी। ये देखिए दाल बनने के बाद मैंने चूल्हे पर रख दिया था पतीली में पानी, और पानी पक चुका है। चावल मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे, अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। ये रहा चावल, पानी पक चुका है, अब इसमें डाल दूंगी मैं चावल। और चावल भी हमारे उबल चुके हैं, अब मैं इनको निचोड़ दूंगी, इसमें से मांड अलग कर दूंगी इनको निचोड़ के। और खाने खाने भी सब आ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं, और रात भी अच्छी सी हो चुकी है, अंधेरा ठीक ठाक सही हो रहा है। अब मैं इनको निचोड़ दूंगी चावलों को, और फिर सब खाना खा लेंगे। तो देखिए खाना हमारा तैयार हो चुका है, और खाने वाले भी सभी आ चुके हैं, और अब खाना खाएंगे सब। आपसे हम कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।